नकली सिक्सर व देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ दो अपराधी गिरफ्तार भेजे गए जेल। चतरा जिला के प्रतापपुर थाना के ग्राम गेरुआ मोड़ के पास से तीन अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा देसी कट्टा व खौफ दिखाकर एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JS13G0328 है लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस ने बड़े ही अछूते अंदाज में किया गया गिरफ्तार। इस बाबत SGPO अविनाश कुमार ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को जानकारी साझा करते हुए बताया कि मोटरसाइकिल लूटकांड का मामला प्रतापपुर थाना में दर्ज कर कांड संख्या 179/22 धारा 392 के तहत पुलिस छानबीन में जुट गई थी। प्रतापपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते सिर्फ 9 दिनों में मामला का खुलासा कर दिया गया, जो पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। लूटे गए स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल तथा कांड में प्रयुक्त देसी कट्टा एवं एक नकली सिक्सर एवं तीन जिंदा कारतूस के साथ दो अपराध कर्मी पंकज कुमार ग्राम रक्षी थाना वशिष्ठ नगर जोरी, सुनील कुमार ग्राम भैरूडी थाना कुंदा दोनों जिला चतरा की गिरफ्तार की गई है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गेरुआ मोड़ पे दिनांक 30/12/2022 को तीन अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी। इस संबंध में प्रतापपुर थाना कांड संख्या 179/22 दर्ज कर लिया गया था। थाना प्रभारी प्रतापपुर एवं अन्य पदाधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में जो लूटा गया था मोटरसाइकिल उसे भी बरामद कर लिया गया है। अपराध कर्मियों के पास से एक देसी कट्टा, 0.08 mm का तीन जिंदा कारतूस और एक टेक्नो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल भी जो था उसे भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही एक देसी डुप्लीकेट सिक्सर को भी बरामद किया गया है जिसके सह में ये लोग अपराध को अंजाम दिए थे। दो व्यक्ति जो पकड़ा है वो पंकज कुमार और सुनील कुमार हैं। सुनील कुमार कुंदा के रहने वाले हैं और पंकज कुमार हैं वो वशिष्ठ नगर जोरी के रहने वाले हैं। इस प्रकार एक अन्य व्यक्ति की पहचान हो गई है, वो भी जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएगा और इसे हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। लेकिन लगातार सर प्रतापपुर में जो भी संज्ञान में आ रहे हैं हम लोगों ने उस पर FIR दर्ज कर लिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग सारे कांड का उद्भेदन लगभग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे किस तरह की घटनाएँ ना हो। अगर घटनाएँ होती है तो पुलिस उस पर निस्संदेह कार्रवाई करेगी।